रात के 2:35, कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस डीरेल होती है। 15 मिनट बाद 2:50 पर पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। साबरमती एक्सप्रेस की 21 की 21 बोगिया डीरेल हो गई। बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन इस घटना के बाद एक तस्वीर सामने आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। जहां हादसा हुआ वहां रेलवे लाइन पर पड़ा ये लोहे का टुकड़ा कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से ट्रेन डीरेल हुई। इस हादसे के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कानपुर में ट्रेन हादसे की कोई बड़ी साजिश थी? आखिर किसके निशाने पर थी साबरमती एक्सप्रेस? हालांकि इस मामले में अभी पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच जारी है, लेकिन शुरुआती इंक्वायरी के बाद ये सवाल उठने लाजमी है। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए पहले पुलिस का ये बयान सुनिए। यहाँ से 70-80 मीटर दूर एक लोहे का टुकड़ा मिला है, जिसको लेके कयास लगाई जा रही है कि शायद ये इम्पैक्ट हो सकता है। जो इंजन का सामने का हिस्सा है वहाँ भी एक इम्पैक्ट दिख रहा है। 40-50 किलो का कम से होगा और यहाँ से 70-80 मीटर दूर है, तो वो या तो घसीट के जाएगा, घसीटने के उस पर कोई निशान नहीं है उसके अंदर। इस रूट पर 1.5 घंटे पहले ही एक और ट्रेन गुजरी है। साफ है कि जो कुछ हुआ वो रात के 1 बजे से 2:30 बजे के बीच हुआ। अब ऐसे में सवाल है कि इन 1.5 घंटों में वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि साबरमती एक्सप्रेस की सभी 21 बोगियाँ बेपटरी हो। साबरमती एक्सप्रेस के इंजन का आगे का पार्ट अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर वो बोल्डर टकराया था। देखिए, यही वो इंजन है जो सुबह 2:30 बजे यहाँ से अपने तमाम बोगियों को लेकर जा रहा था, लेकिन जो आगे आप देख सकते हैं कैटल शील्ड यानी कि कैटल जो गार्ड लगा हुआ है, कैटल गार्ड यानी कोई भी अगर जानवर सामने आता है तो ये कैटल गार्ड उनको हटाकर किनारे कर देता है। इसी के सामने ही एक बड़ा सा जो बोल्डर है वो रखा रहा, जिसके बाद आप देखिए कि ये इतना भारी, इतना मजबूत ये कैटल गार्ड होता है, उसके बाद भी ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इस हादसे के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां सबूतों के जरिए पूरी तहकीकात कर रही हैं। इस हादसे में किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। हादसे में सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित, लेकिन बेपटरी हुई ट्रेन के डिब्बों से हादसे की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो एक भारी जो यहाँ पर बोल्डर था उसको यहाँ पर रखने का काम किया गया, क्योंकि बोल्डर इतना हल्का नहीं होता कि उसको 1 से 2 लोग उठा सकें, तो ऐसे में इसमें कई लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये किसी की शरारत है या फिर साजिश है, फिलहाल ये जांच का विषय है। आरपीएफ की टीम, यूपी पुलिस की टीम और आईबी की टीम फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे है। कैमरा संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, कानपुर।